कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग घर पे ड्रीम केक कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत कम बजट। उसके लिए सबसे पहली चीज आपने लेनी है कोई बाउल ले लेना है। मैंने यहाँ पे टिन लिया क्योंकि मेरे पास वो अवेलेबल था, आप वो किसी भी चीज में बना सकते हैं। चलिए आप इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये कि आपने इसमें केक की लेयर लगानी है। मेरे पास केक बेक हुआ पड़ा हुआ था अपना, तो मैंने वो यूज किया है। आप लोग जो है कपकेक भी यूज कर सकते हैं, कपकेक से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप लोग ये वाली साइज में बना रहे हैं तो आपके 5 to 6 कपकेक बहुत होंगे। सबसे पहले आपने इसमें अपने केक की लेयर को अच्छे से सेट कर लेना है। अगर आप कपकेक यूज करें तो आप उसका चूरा बना के और इसमें अच्छे से एक लेयर लगा सकते हैं। पहले हम आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे, जो कि है केक को सोक करना। इसके लिए आप लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। या तो आप शुगर सिरप बना सकते हैं जो कि गर्म पानी और शुगर से बन जाएगा। उसके अलावा आप लोग इसमें मिल्क भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे शुगर सिरप यूज किया है। अच्छा जी, इसको सोक करने के बाद थर्ड स्टेप आ जाता है कि हमने इसमें क्रीम की लेयर लगानी है। जितनी आपने केक की लेयर लगाई है उतनी आपने क्रीम की लेयर लगानी है, वरना अगर आप ज़्यादा लगा लेंगे तो ना आपको चॉकलेट का टेस्ट आएगा और ना ही केक का। क्रीम मैंने यूज़ किया है विबी विप की, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट विबी विप का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, वो विप भी बहुत अच्छे से हो जाती है। अच्छा, तो क्रीम को आपने बहुत अच्छे से विप कर लेना है। उसके बाद आपने उसमें कोको पाउडर या फिर चॉकलेट ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो क्रीम सेट करने के बाद जो फोर्थ स्टेप आ जाता है वो इसमें गनाश ऐड करना। गनाश के लिए टॉप लेयर के लिए जो मैंने चॉकलेट यूज़ किया है वो मिल्कीज़ का ये वाला चॉकलेट है। ये बहुत सारी साइज़ में भी आ जाता है और आप लोग मिल्कीज़ की वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप लोग ये वाली साइज़ लेंगे 250 ग्राम तो ये आपको 300 तक का मिल जाएगा। इसको बनाने की रेसिपी ये है कि आपने 1:1 का रेशो लेना है। मतलब आप अगर हाफ कप क्रीम ले रहे हैं तो आपने हाफ कप ही उसमें क्रीम ऐड करनी है। पहले आप लोग क्रीम को है जो थोड़ा सा गर्म कर लें और उसके बाद उसमें चॉकलेट ऐड करें तो वो आराम से मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारा फिफ्थ स्टेप, जो कि है ऊपर वाली चॉकलेट। तो उसके लिए आप लोगों ने कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपल चॉकलेट लेनी है और उसको मेल्ट कर लेना है। इसको मेल्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं आप लोग, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। मैं इसको चूल्हे के बराबर में ही रख देती हूँ, गर्मी की वजह से ये बहुत ही आराम से मेल्ट हो जाती है। मेल्ट करने के बाद आपने थोड़ी देर उसको ठंडा करना है और फिर या तो किसी पाइपिंग बैग में या फिर आप लोग स्पून से भी उसको सेट कर सकते हैं। पूरे ही आपने ड्रीम केक में उसको अच्छे से सेट कर लेना है और उसकी एक पतली सी लेयर लगानी है। उसको लगाने के बाद आपने उसको थोड़ी देर फ्रीजर में रखना है ताकि वो जम जाए। और उसके बाद आ जाता है हमारा फाइनल स्टेप, जो कि होता है इसके ऊपर कोको पाउडर डस्ट करना। ये वैसे ऑप्शनल है, आप इसकी जगह जो है चॉकलेट भी इस पर थोड़ा सा डस्ट कर सकते हैं, बट जो है कोको पाउडर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। उसको आपने थोड़ी देर फ्रीजर में ठंडा कर लेना है। इस तरह से हो गया हमारे ड्रीम केक रेडी। मतलब कि आप चेक करें, अगर आप इसमें ज़्यादा चॉकलेट डालेंगे तो आपका लावा ज़्यादा बाहर आएगा, और ये चेक करें कितना अच्छा है। आपकी रेसिपी ट्राई कर तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।